hepatitis B disease here, and according to the type of disease, these viruses are named. Okay, so this virus or the causative agent which is responsible for the hepatitis B disease, that virus, it is called as hepatitis B virus. So in this today's session, we are going to see detail about this hepatitis B virus here. See, this is the simple structure of that virus. Okay, hepatitis B virus, that is spherical, we can see here. That virus is spherical in structure, and these are the properties of hepatitis B virus. Okay, so this is the member of the HepDNA or HepaDNA virus. Okay, so this is the member of this HepaDNA virus family. Then this is circular partially, and the genetic material of this hepatitis B virus, it is double stranded DNA molecule. Okay, so that's why these viruses, that is hepatitis B viruses, are also called as the double stranded DNA viruses. Okay, then the replication involves a reverse transcriptase enzyme here. Okay, so this reverse transcriptase enzyme, so that is actually responsible for the formation of DNA molecule from RNA. क्योंकि हमें जो पता है जो या फिर जो हमने देखा है कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है, जिसमें वी कैन से थ्री प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व. एक तो होती है रेप्लिकेशन प्रोसेस, मतलब दैट डीएनए गेट फॉर्म फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल्स, और डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स गेट फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, एंड व्हाट एवर दिस डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म, दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल. सो दिस प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन प्रोसेस. सेकंड जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. तो डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दैट इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम इट इज कॉपीड इन अ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल. ओके, तो ये जो प्रोसेस है कि फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल से, मतलब या फिर डीएनए मॉलिक्यूल में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, एक नए मॉलिक्यूल में कॉपी करना. सो ये जो नया मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार होता है, उसे हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और सिंपली इट इज कॉल्ड एज दी एमआरएनए मॉलिक्यूल. और ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम दी डीएनए मॉलिक्यूल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो दैट प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. और उसके बाद जो प्रोसेस होती है, मतलब मैसेंजर आरएनए में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार होता है, और जो भी अमीनो एसिड्स वहां पे प्रोटीन मॉलिक्यूल में ऐड किए जाते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल. तो ये थ्री प्रोसेस जो है, एक है रेप्लिकेशन, दूसरी है ट्रांसक्रिप्शन, एंड तीसरी है ट्रांसलेशन प्रोसेस. तो ये तीनों को हम कॉमनली क्या कहते हैं, या फिर कलेक्टिवली क्या कहते हैं, That is called as the central dogma of molecular biology. Okay? और कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल टू मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, जिसे हमने कहा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इट इज कैरिड आउट बाय द स्पेसिफिक एंजाइम मॉलिक्यूल हियर. ओके, और वी कैन से हियर दैट इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके, सो व्हाई दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट, because to convert that DNA molecule into messenger RNA molecule, that particular enzyme is depend on the sequence present on DNA molecule. Okay, so that's why it is called as DNA dependent. And why it is called as RNA polymerase? Polymerization का मतलब क्या होता है कि एक एक molecule जब, मतलब polymer, या फिर उसे तो हम single अगर molecule होता है तो उसे हम monomer कहेंगे, लेकिन जब ऐसे कई और बहुत सारे molecules इकट्ठा आते हैं तो उसे हम कहेंगे polymers, मतलब many molecules. So when that many molecules they come together, so that process is called as the polymerization process. That means joining of many monomers or polymers. Okay, so this is called as polymerization process. And this DNA and ye jo polymerization process hai, wahan pe RNA molecule tayar hota hai. That's why it is called as RNA polymerase. To ye jo process ho gayi, that converts that information stored in the DNA molecule, and there is a formation of messenger RNA molecule. That enzyme, it is catalyzed by the or that reaction, it is catalyzed by the enzyme, and that enzyme is called as DNA dependent RNA polymerase. लेकिन कभी कभी क्या होता है
कि ये इसकी जो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है इसके अपोजिट प्रोसेस वहां पे होती है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, देन वी कैन कॉल इट एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, एंड दैट एंजाइम विच कैटालाइजेस दिस रिएक्शन दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हियर। ओके, देन दिस हिपेटाइटिस बी वायरस इट इज एंडेमिक इन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट इज हाइपर एंडेमिक इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये एक जो हिपेटाइटिस बी वायरस है ये एंडेमिक है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से या फिर कम्युनिटी में वो जो स्प्रेडिंग होता है डिसीज का वो लिमिटेड होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिस डिसीज बिकम हाइपर एंडेमिक, मतलब वो कहीं बहुत सारे लोकेशन में, बहुत सारे कंट्रीज में या बहुत सारे सोसाइटी में ये डिसीज वहाँ पे स्प्रेड होता है, तो उसे हम हाइपर एंडेमिक कहेंगे। देन इट हैज नॉट एट बीन पॉसिबल टू प्रोपेगेट द वायरस इन अ सेल कल्चर। मतलब अभी तक थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि ये पर्टिकुलर हिपेटाइटिस बी वायरस जो है उसे सेल में ग्रो कर सके। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टर्स है उसके और ये स्ट्रक्चर है हिपेटाइटिस बी वायरस का। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कॉइल्ड या फिर सर्कुलर रेड कलर स्ट्रक्चर हियर, दैट इज कॉल्ड एज द जीनोमिक डीएनए, और इट इज द जेनेटिक मटेरियल, वी कैन से हियर इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस हिपेटाइटिस बी वायरस, एंड इट इज एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, और विथ पार्शियल सिंगल स्ट्रैंड। वाई इट इज कॉल्ड एज द पार्शियल सिंगल स्ट्रैंड, कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसमें से थोड़ा सा जो पोर्शन है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे यहाँ से देखो आप, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन अप टू दिस, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए इस डीएनए मॉलिक्यूल को, मतलब जो हेपेटाइटिस बी वायरस में प्रेजेंट होता है, तो उसे कहा गया है कि इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल बट विथ पार्शियल सिंगल स्ट्रैंड्स, क्योंकि ये जो थोड़ा सा पोर्शन है डीएनए मॉलिक्यूल का ये कैसे है, सिंगल स्टैंडर्ड है। ओके, उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, तो दीज आर नथिंग बट दी हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो ऑरेंज कलर के सब्सटेंसेस आपको दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस। ओके, और ये एनवेलप है उसका, वायरस का एनवेलप, ये न्यूक्लियोकैप्सिड है, मतलब कवरिंग जो होती है डीएनए मॉलिक्यूल को या न्यूक्लियर मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को, दैट कवरिंग इट इज नथिंग बट दी न्यूक्लियो कैप्सिड। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लैक कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज दी हिपेटाइटिस बी एंटीजन। ओके, और एच बी ई एंटीजन। देन ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं आपको सराउंडिंग टू दिस डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज दी हिपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ओके, ये इलोंगेटेड वायरल स्ट्रक्चर है एंड ये स्पेरिकल वायरस स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ दैट हिपेटाइटिस बी वायरस। ओके, सी स्ट्रक्चर ऑलरेडी आई एक्सप्लेन ऑन द डायग्राम हियर। सो दिस हिपेटाइटिस बी वायरस और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी वायरियन, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज द डेन पार्टिकल, और इट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग द साइज और द एनवेलप साइज इट इज अबाउट 42 नैनोमीटर। ओके, देन द कोर एंटीजेंस दिज आर लोकेटेड इन द सेंटर, मतलब इस वायरस में जो भी कोर एंटीजन है, जो भी इंपॉर्टेंट एंटीजन है, वेयर दीज एंटीजेंस आर प्रेजेंट, दीज आर प्रेजेंट इन द सेंटर। ओके, दैट इज इन द न्यूक्लियो कैप्सिड, और दैट एंटीजन इट इज कॉल्ड एज द कोर एंटीजन, दैट इज एच बी सी ए जी, ए जी स्टैंड फॉर द एंटीजन। देन ई एंटीजन और दैट इज नोन एज द एच बी ई एंटीजन, सो ऑन एन इंडिकेटर और इंडिकेटर ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी, दैट इज द माइनर कंपोनेंट ऑफ द कोर एंटीजेनिकली डिस्टिंग फ्रॉम द हिपेटाइटिस सी एंटीजन हियर। ओके, और हिपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, देन द साइज ऑफ दैट स्फियर और दैट स्ट्रक्चर ऑफ दैट एच बी वी इट इज 22 नैनोमीटर, एंड दैट अदर फॉर्म्स दे डू नॉट हैव दैट डीएनए मॉलिक्यूल, एंड दोज दिस फॉर्म्स सो दे आर नॉट इन्फेक्शियस, क्योंकि इन्फेक्टिव नेचर जो होता है हिपेटाइटिस बी वायरस का, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी देयर डीएनए मॉलिक्यूल हियर, बट देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ दैट हिपेटाइटिस बी वायरसेस आर देयर
they don't have that DNA molecule, and that's why they are not infectious nature, or they don't cause any disease in the human being here. Okay, and these composed of the surface antigens. So these forms outnumber the actual virion size here. Okay, see again, this is the some 3D structure we can say here, or which is also called as the Dehn particle. See, this is the that ये जो ब्लू कलर आपको लेयर दिख रही है यहाँ पे, दैट इज हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. ओके, देन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज नोन एज दी डीएनए पॉलीमरेज. देन डीएनए मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल. सो दिस वन इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज हैविंग दी साइज ऑफ 3200 बेस पेयर्स. दैट बीपी स्टैंड फॉर द बेस पेयर्स. Then this is core antigen and there is a protein kinase is there. Okay, so that HBsAg surface coat protein. Okay, then HBcAg inner core protein. Then HBeAg secreted protein here. So this is the simple structure of that hepatitis B virus or that causative agent here. Then decoy particle. So hepatitis B S antigens. So they consist of the particles, okay, and these particles later on they are released into the serum or in the blood of the infected persons and outnumber the actual virions here. क्योंकि एक बार अगर ये virus particle या फिर antigen blood में enter होता है तो that can infect the other cells here and there is a large number of that viruses will be formed here. Then these viruses are spherical in nature, these are filamentous in nature, then they are immunogenic. That means when this virus enters in our body, so at that time our body will recognizes that virus as a foreign particle, and then there is a immune response will be produced here. But whatever that immune response will be produced here, that is a very fast or it is a very rapid. So they are immunogenic in nature and were processed into the first commercial vaccine against hepatitis B virus. तो वही जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वही हेपेटाइटिस बी वायरस के वैक्सीन में वहाँ पे यूज किए हैं. ओके, उसके बाद जो है ये जीनोमिक स्ट्रक्चर है उसका हेपेटाइटिस बी वायरस का. ये कुछ जीन्स है वहाँ पे जो इंडिकेशन किए हैं. सो दीज आर नथिंग बट द जीन्स ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी वायरस. ओके, देन सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द रेप्लिकेशन पार्ट हियर, रेप्लिकेशन ऑफ दैट वायरस फॉर एग्जाम्पल. So I will skip that. So the next point is here, that is nothing but the this is the open reading frames here. So there are four open reading frames which are derived from the same strand of that DNA molecule of the hepatitis B virus. मतलब hepatitis B virus के एक strand से वहाँ पे एक नया reading frame तैयार हुई है, and that is called as the open reading frame. So yes, one is here, that is nothing but the three polypeptides of the surface antigens, that is pre-S1, pre-S2 and S, these are produced from the alternative translation start site. Okay, that means that by using that translation process, these antigens are produced here. Then second one is here, the core protein, and third one is the DNA dependent RNA polymerase enzyme, and that X stands for the transactivator of viral transcription and cellular genes. So that HBX, hepatitis B transactivator, X stands for the transactivator. So it is in all mammalian cells, though not essential in transfected cells. मतलब जो भी cells का वहाँ पे transfection हुआ है या फिर transmission हुआ है उनके लिए तो ये open reading frame वहाँ पे कुछ essential नहीं है, जरूरत नहीं है. So but it is required for the infection in vivo. मतलब अगर आपको in vivo infection cause करना है, इन विट्रो और इन विवो का मतलब आपके समझ में आया होगा कि इन विट्रो हम कब बोलते हैं कि अगर कोई प्रोसेस, फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए या फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस अगर हमारे बॉडी के बाहर होती है या फिर ग्लास वेयर्स में होती है तो उसे हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज द इन विवो प्रोसेस. तो उसे हम क्या कहेंगे, इन विवो प्रोसेस कहेंगे. लेकिन वही फर्टिलाइजेशन अगर हमारे बॉडी में होता है, जैसे कि आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी. ओके,
तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है या फिर इनविट्रो विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये इसी का पार्ट है, बट दे हैव टू यूज द एडवांस टेक्निक हियर. तो सो दो नॉट इसेंशियल इन द ट्रांसफेक्टेड सेल्स, दिस इन्फेक्शन रिक्वायर्ड द इन विवो इन्फेक्शन हियर, दैट इज इन द लेबोरेटरी. ओके, सो दिस इज नाउ नेक्स्ट वन इज हियर, हाउ दिस HBx एक्टिवेट्स द RAS प्रोटीन्स. ओके, देन RAF एज वेल एज MPA के प्रोटीन्स हियर. So that is actually the genetical part here. Okay, how these antigen they regulate the multiplication of that viruses, okay, or replication of that viruses. So how that virus or hepatitis B virus replicate, or how that hepatitis B virus multiply in the cells here. So there is a reverse transcription process is here. और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि reverse transcription process क्या होती है, तो जब कोई आरएनए मॉलिक्यूल से डीएनए मॉलिक्यूल तैयार करता है, या फिर नॉर्मल प्रोसेस हमें पता है कि डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ये इंफॉर्मेशन पहले आरएनए मॉलिक्यूल में कॉपी की जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहेंगे. और उसके अपोजिट जो प्रोसेस है, जिसे हमने कहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है कि जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए मॉलिक्यूल तैयार होता है, लेकिन जब आरएनए मॉलिक्यूल से डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होता है, तो उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्स हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन के रिवर्स, ट्रांसक्रिप्शन के अपोजिट. ओके, तो दैट्स व्हाई उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, सो दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इट इज वन ऑफ द मैसेंजर आरएनए इज रेप्लिकेटेड और मल्टीप्लाइड विद द प्रोसेस कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस. सो मेकिंग दैट the DNA will eventually be the core of the progeny virion. कि मतलब जो भी DNA molecule है, तो वो progeny virion के साथ होता है या नहीं होता है. Okay, integration, उसके बाद जो process है वो integration की है. कि there are some DNA molecules are there which integrates into the genome of host organism causing the carrier state. कभी कभी क्या होता है कि ये जो DNA molecule होता है वो integrate होता है, inject होता है host organism के बारे में और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, जीनोम में, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे किस तरह से काम करता है. ओके, तो नेक्स्ट जो है ये प्रोसेस है, दैट इज ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ हिपेटाइटिस बी वायरस. ओके, तो ये पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन द वायरियन पार्टिकल, दैट इज इन द हिपेटाइटिस बी वायरस, और इसे हम वायरियन कहेंगे. ये हिपेटाइटिस यस एंटीजन की एनवेलप है, और उसके अंदर जो है ये कोर एंटीजन है. ओके, तो जब कोई वायरस पर्टिकुलर सेल में एंटर होता है, सो दैट एंटर्स, ये जो प्रोटीन कैप्सूल होता है बाहर में, वो बाहर के बाहर ही रहता है. ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये बाहर, दैट विल रिमेन इनसाइड द आउटसाइड, और इन द आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल, फॉर एग्जाम्पल हियर, और उसके जो डीएनए मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद कोर लेयर, that will enter into the cytoplasm of the bacterial cell, for example. उसके बाद complementation of the double stranded DNA molecule. ये जो double stranded DNA molecule होता है, उसका कुछ delayering होता है, और उसके बाद transcription process होती है. transcription process के बाद ये जो structure आपको यहाँ पे दिख रहे है, that structure it is called as the that protein molecule we can see here. Okay? ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देयर इज अ ट्रांसलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंड दैट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस इट इज ऑकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल. मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रही है, और जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो अपने जनरल साइटोप्लाज्म में हो रही है. ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ये आरएनए मॉलिक्यूल, उसके बाद पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेशन, मतलब पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वहां पे तैयार हो जाएगा. सी दिस इज द पॉजिटिव डीएनए, नेगेटिव डीएनए, दिस इज एचबीएस ए एंटीजन. और एक बार अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल वहां पे तैयार होता है, तो उसी हिसाब से या फिर वही लोकेशन से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल वहां पे रिलोकेट होता है. तो ये इस तरह से रेप्लिकेशन है हेपेटाइटिस बी वायरस का. और उसके बाद जो है that is about the hepatitis B virus mode of transmission. How this virus get transmitted? तो ये virus जो है ये एक मतलब disease person से
हेल्दी पर्सन के बॉडी में किस तरह से ट्रांसमिट होता है। जस्ट 1 मिनट। द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर हाउ दे आर हेपेटाइटिस बी वायरस गेट ट्रांसमिटेड हियर। ओके, सो देर इज वन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज हियर, दैट इज पैरेंटल, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ड्रग एब्यूजर्स हियर। सो इफ दे आर यूजिंग द सेम इंजेक्शन, सो बिकॉज दिस हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस और दैट डिसीज, इट गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसमिशन ट्रांसफ्यूजन और थ्रू द ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल। एंड देयर फोर इफ देर इज अ यूज ऑफ दैट सेम इंजेक्शन फॉर एग्जाम्पल और सिरिंजेस विच आर यूज बाय द ड्रग एब्यूजर्स, सो दैट इंजेक्शन और दैट सिरिंजेस दे कैन ट्रांसमिट दैट वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन हियर। देन हेल्थ वर्कर्स विच आर एट द हाई और द इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हियर, सो दैट इज द वन रूट ऑफ ट्रांसमिशन हियर। अनदर वन इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ऑल्सो प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी वायरस इन केस ऑफ सेक्स वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल। सो इफ सो दैट सेक्स वर्कर्स, सो दे आर मेनली इन द सेंस हियर दे कैन ट्रांसमिट। ओके, सो इफ देर इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज देयर, so that unprotected sex will be responsible for the transmission of this hepatitis B virus from that infected sex workers to the healthy persons here, okay, during intercourse. Then another one is here, homosexuals are also responsible for that and they are generally at the high risk of the mode of transmission of this disease here. Then perinatal, that is vertical transmission, we can call it as a vertical transmission. So this vertical transmission means here, when that particular causative agent or pathogens, if they are transmitting from mother to the infant, okay, or that fetus, then that type of transmission, it is called as the vertical transmission here, okay, and that can be occur in case of mother to infant. So this is the few modes of transmission of that diseases. So this is epidemiology of hepatitis B virus, epidemiology in the sense, so how that disease occurs in the community, for example, या फिर community में वो किस तरह से spread होता है, या फिर क्या statistical data है उसके पीछे, so that is nothing but the that is included in epidemiology. So here so total carriers throughout the world, so that includes 35 crore. Okay, so this number is here 35 crore. So these 35 crore, these are the total carriers, okay, throughout the world. And carrier की definition मैंने already आपको बताई है कि अगर उस particular person में pathogen present होता है लेकिन उसके body में कोई भी symptoms वहाँ नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, carrier कैसे है। So this is this another number is here, that is 12 lakh carriers, these are in China, okay, and the carrier rate can exceed up to yes, ट्रांसमिशन। सी ट्रांसमिशन जो होता है कि मतलब हाउ दैट पर्टिकुलर डिसीज गेट ट्रांसमिटेड। ओके, अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस में है, कि हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रांसमिशन वहां पे किस तरह से होता है। ओके, तो एक तो जो ट्रांसमिशन होता है ये पैरेंटल होता है, मतलब जब कोई इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, सिरिंजेस वगैरह यूज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर रूट से ये हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रांसमिशन होता है। और ये मोस्टली जो कॉमन होता है, दैट इज कॉमन इन द ड्रग एब्यूजर्स और इट इज कॉमन इन द हेल्थ वर्कर्स। ओके, सो बिकॉज दैट हेल्थ वर्कर दे आर जनरली दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपोजिंग टू द पेशेंट्स एंड देयरफॉर देयर इज मोर रिस्क और देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ दिस हेपेटाइटिस बी वायरस और दैट इन्फेक्शन। सेकंड जो रूट होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, वो होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वी कैन से हियर। ओके, and this can occur in in case of sex workers, if that particular, suppose one partner is infected with the hepatitis B virus, and if there is a unprotected sex is there with that infected person or infected partner, so there is a possibility of transmission of this disease. Okay, and that homosexual, these are also at the high risk of that particular infection from the hepatitis B virus. Okay, उसके बाद जो होता है पेरीनेटल ट्रांसफर, या फिर जिसे हम कहते हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब, सो इफ दैट डिसीज और इफ दैट पैथोजन
if it is transmitting from the mother to the fetus or to the infant, okay, then that is called as the vertical transmission here. And in this case, this hepatitis B virus can be transmitted from mother. That means if that mother is infected with the hepatitis B virus, so she will transmit or she can transmit this pathogen, that is hepatitis B virus, to her infant or to her fetus. Okay. So that is nothing but the modes of transmission. Is it okay? Okay, thank you. So this is about epidemiology of this hepatitis B virus here. So these are the total cases here. Then 35 crore carriers are present throughout the world. That means they are carrying that pathogen in their bodies, but they does not showing any symptoms. Okay, that means they are contributing in the spreading of that disease. Then out of this 35 crore carriers in the world, so that 12 crore carriers, these are present in China, and the carrier rate can exceed up to 10%. Then 15 to 20% of that patients which are chronically infected, that means because hepatitis A infection and hepatitis E infection, both of these are acute infections here, and this hepatitis B, C, D, these are the chronic infection. That means the pathogen can be present in for longer duration in the body of that patient here. Okay, and that 15 to 25%, these are chronically infected with this disease here, and that will die from the chronic liver disease. Okay, तो ये chronic liver disease ऐसे persons में होता है कि जो chronic infections से मतलब suffering कर रहे, तो ये cases वहाँ पे या फिर डेथ वहां पे होती है. देन नियर 5 लाख केसेस डेथ्स आर देयर इन और पर ईयर इन द चाइना. मतलब चाइना ने अगर हम जो मॉर्टेलिटी रेट देखेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो ये 5 लाख केसेस या फिर डेथ्स है पर ईयर. देन दिस इज द नंबर, दैट इज 982,297 लिवर डिसीजेस इन चाइना, दैट इज इन 2005. And 50% of the children born to mothers with chronic HBV, मतलब ऐसे मदर जिनमें ये chronic HBV वहाँ पे हुआ है या फिर they are suffering from the chronic HBV, तो उनमें से जो मदर्स ने infant को मतलब after delivery for example, तो उनमें से 50% children जो है they are born to that mothers who are suffering from the hepatitis B virus, okay, or infection. See, this is the concentration of that hepatitis B virus in the various body fluids. For example, the concentration of that hepatitis B virus is higher in case of blood, in serum or in wound exudates. Wound exudates का मतलब क्या होता है कि मतलब जो injuries होती है, जो wounds होती है body पे, तो उसमें से जो भी या फिर मतलब exudates आते हैं, चाहे वो pus हो या फिर कोई फ्लूइड हो पर्टिकुलर डिसीज में, तो उसमें ये वायरस वहां पे प्रेजेंट होता है. देन मॉडरेट जो नंबर होता है या फिर कॉन्सेंट्रेशन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, मतलब ब्लड सीरम या उंड एक्सीडेट से थोड़ा सा कम, तो ये होता है प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट इन द सीमेन, दैट इज प्रेजेंट इन द वजानल फ्लूइड, और दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा आल्सो. ओके, सो दैट सीमेन दैट इज कमिंग फ्रॉम द मेन एंड दैट वजानल फ्लूइड, so that also consists of the, which is from the female, that will also consist of this viruses in these fluids here, including that saliva also. Okay, and that low or not detectable virus, it will be in urine, it will be in feces, it will be in sweat, tears, as well as in breast milk. Matlab ye jo components kahenge hum, urine, fecal matter, sweat, tears or breast milk, so they also consist of that viruses sometimes. Okay, but the number or the concentration of this hepatitis B virus, it is very low, or sometimes it cannot be detected. So that number is very low here actually. Okay, so that is the concentration of this hepatitis B virus in different body fluids here. Okay, now the next one is here, high risk groups for the hepatitis B virus infection. मतलब ऐसे कौन से लोग हैं
कि जिनमें ये हिपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है या फिर हो सकता है। तो वन इज़ द पीपल्स फ्रॉम द एंडेमिक रीजन, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में हिपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन वहाँ पे होता है कम्युनिटी में, तो उन एरिया के अगर कुछ लोग हैं तो उनमें ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये लोगों में भी वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। देन बेबीज ऑफ मदर्स विथ क्रोनिक HBV, सपोज इफ दैट मदर और प्रेग्नेंट लेडी फॉर एग्जाम्पल इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम दी क्रोनिक हिपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, सो शी कैन ट्रांसमिट दैट डिसीज और दैट इन्फेक्शन टू हर बेबीज। तो ये ऐसे जो बेबीज है कि फॉर एग्जाम्पल दे आर ग्रोइंग इन द यूटेरस ऑफ मदर, सच अ मदर हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद हिपेटाइटिस बी वायरस, सो सच इन्फेंट, सच वॉट वी कैन से हियर फिटस फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट्स, इन्फेंट्स आफ्टर बर्थ वी कैन से हियर फिटस, दैट इज व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द ओम और इन द यूटेरस, सो सच फिटस और दैट आफ्टर बर्थ दैट इन्फेंट्स दे आर मोर ससेप्टिबल और दे आर एट द हाई रिस्क। ओके, देन इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स, ड्रग एब्यूजर्स क्योंकि निडल या फिर सिरिंजेस वहाँ पे अगर सेम यूज होते हैं तो ये भी जो लोग होते हैं कि जो ड्रग एब्यूजर्स है तो उनमें भी वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ये वायरस के इन्फेक्शन की। देन उसके बाद है दोज पीपल्स विच आर हैविंग दी मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हियर, ओके, सो दैट पर्सन दे आर ऑल्सो एट दी हाई रिस्क बिकॉज दैट वजाइनल फ्लूइड एज वेल एज दैट सीमेन सो और वजाइनल डिस्चार्ज, सो दैट कंसिस्ट ऑफ दैट पैथोजन और हिपेटाइटिस बी वायरस, एंड देयरफॉर इफ दैट पर्सन दैट मे बी द मेल और दैट मे बी द फीमेल इफ दे आर कीपिंग द सेक्स फॉर एग्जाम्पल विथ मोर पार्टनर्स, सो देर इज अ और वी कैन से दैट पर्सन आर एट दी हाई रिस्क। ओके, देन हीमोफिलिक्स, सो दोज चिल्ड्रेंस वी कैन सी हियर हु आर सफरिंग फ्रॉम हीमोफिलिया, ओके, सो आर द अदर पेशेंट्स विच आर कंटिन्यूसली रिक्वायरिंग द ब्लड एज वेल एज ब्लड प्रोडक्ट, क्योंकि हीमोफिलिया पेशेंट में कैसे होता है कि कंटिन्यूसली मतलब आफ्टर स्पेसिफिक ड्यूरेशन वी हैव टू ट्रांसफर दैट ब्लड इन सच हीमोफिलिक और दैट अदर पेशेंट्स हियर, क्योंकि अगर ये ज़्यादा अगर उतने ज़्यादा वो जहाँ पे ब्लड ले रहे हैं या फिर ब्लड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो भी ब्लड उनको दिया जा रहा है या फिर जो ब्लड प्रोडक्ट्स उनको दिए जा रहे हैं तो ये मे बी दैट प्रोडक्ट्स और दैट ब्लड इज कंटेमिनेटेड विद दिस हिपेटाइटिस बी वायरस, सो दैट्स वाई दैट पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया और अदर पेशेंट्स हु आर कंटिन्यूसली रिक्वायरिंग दैट ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, तो उनमें ये पॉसिबिलिटी या फिर रिस्क वहाँ पे ज़्यादा होती है। देन हेल्थ केयर पर्सनल्स हु हैव कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, क्योंकि अगर मे बी दैट पर्सन सपोज दैट हेल्थ वर्कर्स दे आर कंटिन्यूसली इन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन द ब्लड बैंक, क्योंकि हमेशा उनका कॉन्टैक्ट यहाँ पे ये ब्लड से आता है, तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो भी पेशेंट उनके यहाँ पे आया हो या फिर ब्लड डोनेट करने या फिर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए अगर उनका कॉन्टैक्ट हमेशा ब्लड के साथ होता है तो ये भी पर्सन दोज हु आर हैविंग ब्लड कॉन्टैक्ट विद दैट और द कॉन्टैक्ट विद दैट ब्लड, सो दैट पर्सन दे आर ऑल्सो एट द हाई रिस्क, एंड दैट रेसिडेंट्स एंड द स्टाफ मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द फॉर द मेंटली रिटार्डेड, तो वहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी मतलब ये रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कुछ उसमें डैमेजेस या फिर इंजुरीज वगैरह होती है तो वहाँ पे चांसेस या फिर रिस्क वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये हिपेटाइटिस बी वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसकी रिकवरी या फिर कोर्स है, मतलब किस तरह से वहाँ पे एंटीबॉडीज का या फिर एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाता है, सो दिस इज एक्यूट हिपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन विथ रिकवरी। ओके, तो यहाँ पे वीक्स आफ्टर एक्सपोजर, समझो ये 4 वीक्स है आफ्टर एक्सपोजर टू दैट वायरस, और ये जो टाइटर यहाँ पे दिख रहा है आपको वाई एक्सिस पे, ये टाइटर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट वायरल पार्टिकल्स वी कैन से और एंटीजेंस वी कैन से और एंटीबॉडीज वी कैन से, और ये एक्स एक्सिस पे जो आपको दिख रहे नंबर्स 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, तो ये है दीज आर द वीक्स आफ्टर एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर वायरस। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल हिपेटाइटिस बी एस एंटीजेंस की ये उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पीक लेवल पे होता है आफ्टर नियर अबाउट 13 वीक्स। ओके,
और ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, टोटल एंटी एचबीसी एंटीबॉडीज है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, ये एंटी एचबीएस है। तो इस तरह से ये अलग अलग कंपोनेंट का या फिर एंटीबॉडीज का या फिर एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे रहता है। ओके, तो देन नेक्स्ट पार्ट जो है पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी, मतलब किस तरह से ये जो हिपेटाइटिस बी वायरस है ये बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। सो एज वी नो दैट वायरस पार्टिकल और दैट वायरस इट इज एंटर्ड इन आवर बॉडी दैट इज इन द हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट्स आर नथिंग बट दी सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिवर, मतलब लिवर में जो सेल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट्स कहते हैं। सो दिस हिपेटाइटिस बी वायरस दे एंटर्स इन टू द हिपेटोसाइट्स और इन द लिवर सेल्स दैट इज थ्रू द ब्लड। ओके, देन इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है तो दैट इज स्पेसिफिकली ड्यू टू द टी सी सेल्स, दैट टी फॉर टी सेल्स। ओके, एंड व्हाई दैट सेल्स आर कॉल्ड एज टी सेल्स हियर, बिकॉज द मैच्यूरेशन साइट ऑफ सम लिम्फोसाइट्स इट इज ऑकर इन द थाइमस ग्लैंड, एंड दैट्स वाई दोज पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स विच आर मैच्योर्ड इन द थाइमस दैट सेल्स आर कॉल्ड एज टी सेल्स, दैट टी इज कमिंग फ्रॉम द थाइमस। सो देर आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर देयर, एंड दिस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स दिज आर सो वॉट आर दैट रिस्पॉन्स इज देयर टू दिस वायरल एंटीजेंस, दैट रिस्पॉन्स और दैट सेल्स दे आर प्रेजेंट ऑन द और एक्सप्रेस ऑन द हिपेटोसाइटिक सेल्स दैट इज ऑन द लिवर सेल सर्फेस, एंड दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लिनिकल सिंड्रोम। देन 5% केसेस दे बिकम क्रोनिक कैरियर्स और दैट पर्सन बिकम क्रोनिक कैरियर्स हैविंग दैट हिपेटाइटिस एस एंटीजेंस, एंड हायर रेट ऑफ हिपेटोसेलुलर कैल्शियम इन द क्रोनिक कैरियर्स। ओके, सो दैट पर्सन दैट इज वेन देर इज अ इन्फेक्शन टेक्स प्लेस इन द लिवर सेल्स वी कैन सी हियर, देन दैट इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू द लिवर और इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिवर, एंड आफ्टर रिकवरी इफ देर इज अ पॉसिबल सो दैट पर्सन बिकम कैरियर। देन हिपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीबॉडी दिज आर लाइकली कन्फर्म्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ये जो हिपेटाइटिस मतलब बी सर्फेस पे जो एंटीबॉडीज वहाँ पे तैयार होते हैं या फिर एक्सप्रेस होते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें प्रदान मतलब दे सकते हैं ऑन दैट इम्यूनोग्लोबुलिन और दैट एंटीबॉडी इट इज नथिंग बट द इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके, देन हिपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज इंडिकेट्स लो ट्रांसमिसिबिलिटी, सो दैट इज द दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स हियर। दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 60 to 90 days and the range is here 45 to 180 days. Okay, then insidious onset of symptoms, so they tend to cause a more severe disease than hepatitis A or as compared to hepatitis A even so these are the clinical illness or jaundice less than 5 years, less than 10% cases, or in some cases more than 5 years or 30 to 50% cases, and 1/3 adults they are suffered from this disease here. And some adults they harbor that pathogen but they does not show the any symptoms, so there is no symptoms. Then this is clinical illness at presentation at 10 to 15. Then acute case fatality rate, matlab jab disease aur zyada badhta hai ya fir serious ho jata hai without if there is no any treatment to ye jo fatality rate jo hai ye 0.5 to 1% hai. Then chronic infection ke cases wahan pe zyada hote hai 30 to 90%, ग्रेटर देन 5 ईयर्स में जो होते हैं वो 2 to 10% होते हैं, और जो प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी जो होती है बिकॉज ऑफ दिस क्रोनिक लिवर डिसीज दैट इज अप टू 15.5 to 25%। ओके, तो ये कुछ क्लिनिकल सोर्सेस है, फीचर्स है, ये पॉसिबल आउटकम्स है एच बी वी इन्फेक्शन के। एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन दैट विल बिकम क्रोनिक बी इन्फेक्शन, देन इट विल लीड्स टू द क्रोनिक हेपेटाइटिस। Then 12 to 25% in 5 years, so that patient will become chronic in nature. Then later on, there is a occurrence of liver cirrhosis. Okay, liver cirrhosis will be there. Then 22 to 23% in 5 years, liver failure, and finally, there is a death of that person will take place here. Or sometimes when there is a liver failure is there, so there is a one option is there, and that is nothing but the liver transplantation. ओके, लिवर सिरोसिस में कभी कभी 6 to 15% केसेज जो होते हैं दैट विल लीड्स टू द लिवर कैंसर वी कैन सी हियर। ओके, लिवर कैंसर भी हो सकता है एंड दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू द डेथ ऑफ पर्सन, या फिर दूसरा ऑप्शन जो होता है यहाँ पे
वो होता है लिवर्स का, लिवर ट्रांसप्लांटेशन का. ओके, तो ये इस तरह से ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस है. सो दैट विल सी टुमारो. ओके, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सी टू, टुमारो विल सी दैट. ओके.